तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम अगर दोस्तों पबजी या फिर बीजीएमआई वगैरह कभी भी खेलते वक्त देखते हो कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पैनल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं अलग अलग ऐप के, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ क्रोम ब्राउजर के, या फिर ये देखिए मेरे पास यहाँ पर शॉपिफाई का नोटिफिकेशन ये आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। जो है इन सारे नोटिफिकेशन को आप किस तरीके से ऑफ कर पाएंगे ताकि आप गेम खेलते वक्त बीजीएमआई के गेम प्ले करते वक्त आपको जो है कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को ना मिले, ठीक है। तो आपको कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी ऐप का हो गया आपको पता करना, किस तरीके से पता करना है किस ऐप का वो नोटिफिकेशन है और उसे किस तरीके से ऑफ करना है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर सिंपली इसे ड्रैग डाउन कर देना है, इस तरीके से नीचे आ जाना है। आपको देखना है ये कौन से ऐप का नोटिफिकेशन है, तो देखिए मुझे यहाँ पर शॉपिफाई का दिखा रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, हर मोबाइल पे जो है ये नहीं होता, तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है ऐप का नाम क्या है इस जगह पे, तो यहाँ पर देख लेना, ऐप को देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऐप पर जाके आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है एक दिखेगा आई बटन, ठीक है, ये वाला देख लीजिए। तो जैसे आई बटन दिखता है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर लेके आ जाएगा वो ऐप इन्फो पे। तो आपको यहाँ आने के बाद आपको जो है सभी मोबाइल पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चल जाना है नोटिफिकेशन पे और इससे जो है यहाँ से ऑफ कर लेना है, ठीक है। यानी आपके पास जो है यहाँ पर कभी भी नोटिफिकेशन इसका नहीं आएगा जब तक आप ऐप को ओपन नहीं करते हो, ठीक है। तो ये गया एक ऐप का। इसके बाद दोस्तों हमारे क्या है, गूगल क्रोम वगैरह का भी बहुत सारा नोटिफिकेशन आता रहता है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। सभी ऐप के लिए सेम फंडा है, लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आई बटन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर शो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, आपको सिंपली इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऑफ कर देते हो तो आपको जो है गूगल क्रोम का भी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐप है जिससे आप यहाँ पर जो है आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहते हैं, गेम के अंदर आपको काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, तो आप जो है यहाँ से आकर उसे ऑफ कर सकते हो। आप गेम प्ले करने के बाद इसे आकर दोबारा यहाँ से ऑन कर सकते हो अगर आपको चाहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह को भी उसी प्रकार से कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह के लिए भी सेम चीज़ है, अगर आप हम जो है गेम के अंदर जाते रहते हैं तो हमें जो है काफ़ी सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आते रहते हैं, अगर आप यहाँ से इसे जो है ऑफ कर देते हो तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी आसान सा छोटा सा ट्रिक था, मुझे लगता है कई लोगों को जो है मालूम होगा और कई लोगों को मालूम नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद आराम से अपने मोबाइल को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था छोटा सा तरीका, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में।